अयोध्या में नवनिर्मित भव्य राम मंदिर में श्री राम जी की प्राण प्रतिष्ठा का होने जा रहे आयोजन को ऐतिहासिक बनाने अक्षत कलश यात्रा राम भक्तों और विश्व हिंदू परिषद बजरंग दल द्वारा निकाली गई। 22 जनवरी को अयोध्या में नवनिर्मित भव्य राम मंदिर में श्री राम जी की प्राण प्रतिष्ठा होने जा रही है। इस दिन को ऐतिहासिक बनाने के लिए अयोध्या से अक्षत कलश आया है, जिसका भ्रमण भारत के विभिन्न राज्यों में नगरों में किया जा रहा है। इस कड़ी में यह अक्षत कलश यात्रा राम भक्तों और विश्व हिंदू परिषद बजरंग दल द्वारा दुर्ग रेलवे स्टेशन आमदी श्री राम मंदिर में भारी संख्या में उपस्थित होकर अक्षत कलश यात्रा निकाली गई। इस आयोजन का मुख्य उद्देश्य सनातन धर्म को अधिक से अधिक बढ़ावा देने और इसे भव्य और ऐतिहासिक आयोजन के दिन लोगों को ज्यादा से ज्यादा दिए जलाकर दीपावली की तरह मनाने के लिए लोगों से अपील की गई। ये अयोध्या में श्री राम मंदिर का 22 तारीख को प्राण प्रतिष्ठा का कार्यक्रम है, उसी निमित्त में अभी प्राण प्रतिष्ठा आमंत्रण अभियान की शुरुआत हुई है अभी। और जैसा कि आप सभी को मालूम है कि जनवरी 2021 में हम लोगों ने पूरे भारतवर्ष में घर घर जाके निधि समर्पण करवाया था, और हमने हर अमीर गरीब सबसे हम लोगों ने निधि समर्पण लिया था। तो अब मंदिर अब पूर्णतः तैयार हो जाएगा और 22 तारीख को प्राण प्रतिष्ठा होगी। तो ये जन जन का मंदिर है ये, और जन जन के सहयोग से बना है, तो जन जन का मंदिर है। तो मंदिर का जो ट्रस्ट है, उनका आग्रह है कि देश के हर हिंदू घर में, हर सनातनी घर में हमारा न्योता जाए, आमंत्रण जाए। तो उसी अभियान के लिए प्रदेश प्रदेश से जिला, जिला से नगर, नगर से उपनगर, और अब मोहल्ले तक की टोलियां बन चुकी है। और आने वाले समय में 1 जनवरी से 15 जनवरी के बीच में हमारा ये अभियान चालू होगा, और हम शहर के प्रत्येक, जिले के प्रत्येक घर में जा जाकर आमंत्रण प्लस अक्षत जो पीला चावल है वो देंगे लोगों को। अयोध्या नगरी में भगवान श्री राम जी का 22 जनवरी को राम लला का प्राण प्रतिष्ठा होगा, उसी निमित्त अयोध्या से अक्षत कलश आया है, प्रांत से जिले में आया है। आज जिले से विकासखंड और नगर और उपनगर में यह जा रहा है। योजना 1 जनवरी से 15 जनवरी तक प्रत्येक सनातन परिवार के घर में हम निमंत्रण देने जाएंगे। रामलला का प्राण प्रतिष्ठा होगा। 22 जनवरी को आप सब अपने राम को अपने घर बुलाइए, अपना घर ही अयोध्या बनाइए, अपने हृदय स्थल में हनुमान जी की तरह राम और सीता को बैठाइए, और उस दिन दीपावली पुनः मनाना है। त्रेता युग में भगवान राम 14 वर्ष के वनवास के पश्चात जब आए थे, तब पूरा आर्यावर्त दीपावली मनाया था। अभी हमारा रामलला जी 500 वर्षों तक टेंट में विराजित थे। 1528 ईस्वी में मीर बांकी बाबर का सेनापति के द्वारा भव्य राम मंदिर का विध्वंस करके उसके ऊपर ढांचा बना दिया था। प्रत्येक सनातन जुड़ रहा है इसमें, हमको प्रत्येक सनातन जुड़ना है, कोई सनातन रह ना जाए। प्रत्येक सनातन का राम है, राम ही राष्ट्र है, राम राष्ट्र का मंगल करने वाला राम। तो इसी 22 जनवरी को जो प्राण प्रतिष्ठा होगा 11 बजे से 1:30 के बीच में, वो सब दूरदर्शन मीडिया से देखें उस प्राण प्रतिष्ठा समारोह को, और शाम को अपने अपने घर में दीपावली मनाएं। दीपावली में जिस प्रकार प्रत्येक सनातन बिना किसी के कहे अनुसार अपने घर का रंग रोगन करता है, आंगन को गोबर से पवित्र करके रंगोली बनाता है, दीप जलाता है, अपने पड़ोसी के घर दीप दान करने जाता है, पड़ोस के देव स्थलों में दीप दान करता है, और आरती करके प्रसाद लेता है और बांटता, एक दूसरे को बधाई देते हैं, ऐसे ही प्रत्येक सनातन के घर हमारे राम वानर सेना अक्षत लेकर। और ग्रैंड एशिया न्यूज के लिए दुर्ग से नसीम फारूकी की रिपोर्ट।